दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ अब और नहीं सताओ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेमंती बुआ दूसरी बार माँ बनने वाली थी। पूरे 10 साल के बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। बुआ ने घर पर ही खुद से टेस्ट किया था। बुआ तो दूसरे बच्चे के पक्ष में नहीं थी ना ही उनके पति, लेकिन गलती तो हो गई थी। बुआ बहुत सिद्धांतवादी थी, इस कारण वो गर्भपात नहीं कर सकती थी। उनका मानना था कि इसमें इस बच्चे की गलती क्या है। बुआ ने अपने सहेलियों से इस बारे में बात किया कि वो तो ये बच्चा नहीं सहती है। किसी ने बोला हटा ले यार, तो किसी ने बोला रख ले। सभी अपने अपने हिसाब से सुझाव पेश कर रही थी। बहुत सारे ने तो यहाँ तक बोला अरे हमने तो भी हटाया है, और बहुत सी औरतें तो एक ना एक बार ऐसा करती ही हैं। बुआ ने सबकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको विदा किया। वह सोच रही थी कि कोई कैसे अपने ही शरीर के हिस्से को इस तरह से हटा सकती है। ना मैं तो नहीं कर सकती और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। हेमंती के पति का भी यही सोच थी, तो हेमंती की हिम्मत और बढ़ गई। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस बच्चे को रखना है। हेमंती बुआ को पहले से ही एक बेटी थी। जब उसका जन्म हुआ था तो घर में उनकी सासू माँ खुश नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में लेने से मना कर दिया था। उनको लगता था कि पहला बच्चा तो बेटा ही होगा। बुआ के लक्षणों को देखते हुए कहती होगी तो बेटा ही हुआ। उसका उल्टा, वो गांव में रहती थी, कभी कभी बुआ के पास आती थी। जब बेटी हुई तो उनका चेहरा देखने लायक था। गुस्से से वो वापस से गांव चली गई थी। काफी मनाने के बाद वो मानी, लेकिन उस बच्चे को दिल से अपना नहीं पाई। जब भी वह बुआ से मिलती हमेशा यही बोलती कि जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दे। बुआ सोचती क्या बेटा पैदा करना मेरे हाथ में है। हर साल वो आती और एक ही बात पर अटक जाती, काश एक पोता हो जाता तो गंगा नहा लो। कभी किसी का उदाहरण देती कि देखो उसके घर में बेटा ने जन्म लिया है, तो कभी किसी का जिनके बारे में सुनती कि दो बेटी हैं, तो बहुत दुखी होकर बोलती ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं सलती। ऐसी मनोदशा बनाती जैसे मानो उसने दो बेटियों को जन्म देकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। 10 साल बाद जब बुआ की
सास ने सुना कि बहू के पैर भारी हैं, तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कितने तो देवी देवताओं का प्रसाद सड़ाने का मन्नत मान लिया। जिस बच्ची के साथ कभी भरे मुंह बात नहीं करती थी, आज गले से लगा लिया। समय इंसान को कितना बदल देता है। सपने पंख लगाकर उड़ने लगे। सास जो पहले साल में एक बार आती थी, वो अब हर महीने आने लगी। कितनी ही बार उनके बेटे ने प्रयास किया कि माँ साथ में रहे, लेकिन उनको घुटन होती थी। यहाँ गांव में खुला खुला सा था सब कुछ, जबकि यहाँ ना सत अपनी ना निश्चय अपना। बीस में झूलते रहो बड़ा शहर, उनको रास नहीं आता था। हेमंती बुआ का सातवां महीना सलने लगा, तो उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिया और घर पर ही रहने लगी। उनकी सासू माँ को जब पता चला कि बुआ घर पर रहेगी, तो वह वापस अपने गांव चली गई। ये बोलते हुए कि बेटा मुझे यहाँ मन नहीं लगता, बुआ ने अपने पति से पूछा ये क्या बात हुई। पहले भी वे चली गई थी और इस बार भी। अरे मेरी बहन भी माँ बनने वाली है, वो उसके पास चली गई। मुझे सच बताया नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम क्या कर लोगे। अंतिम समय में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हेमंती बुआ सोच में पड़ गई। हाय अब मेरा क्या होगा। इसी दिन के लिए दोबारा माँ बनी, जिसके लिए माँ बनी वह तो बीस मझधार में छोड़ कर चली गई। ऐसा क्यों होता है जब बहू और बेटी एक साथ माँ बनने वाली होती हैं, तो सास हमेशा अपनी बेटी का ही साथ क्यों देती हैं। उनकी बेटी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, जबकि मेरा तो जहादा। बुआ गंभीर सोच में पड़ गई। उनकी सास तीन बेटियों की माँ थी, फिर भी बेटी के नाम पर मोह बना लेती थी। एक बात और, उन सभी को बेटा ही था। जब परिवार में सबको बेटा हो और आपको बेटी, तो आपको हमेशा नीचे ही दिखाया जाएगा। बुआ के साथ भी यही हो रहा था। बात में उनको बताया जाता था कि तुम बेटा को जन्म नहीं दे सकती। बुआ की ननद तो कभी बुआ को तिरकृत नहीं करती, लेकिन सासू माँ ने तो मानो मान लिया था कि बुआ का दम निकाल कर ही दम लेगी। सात महीनों में तो बुआ को लगता कि अब तो बेटा ही चाहिए, जबकि उनका और उनके पति के मन में था कि दूसरी भी बेटी हो। तिरस्कृत बुआ बदल चुकी थी। बेटा 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 हमेशा यही उनके मन में चलने लगा। कितनी बदल गई बुआ। कभी बेटा होने के लक्षण पड़ती तो अपने अंदर अनुभव करती कि बेटा ही है, कभी बेटी का अनुभव करती। कितनी ही बार
नेट पर सर्च कर सुकी थी, बेटा होता है तो क्या होता है, अगर गर्भ में बेटी हो तो उसके क्या लक्षण हैं। एक कामकाजी महिला परिवार के थपेड़ों से इस कदर बदल जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। धीरे धीरे वो अवसाद की शिकार होने लगी, लेकिन किसी को कुछ बोलती नहीं थी। अपने सासू माँ के द्वारा वो सताई जा रही थी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक अनजाना भय सामने लगा कि अब क्या होगा। अपने औरत होने के बात से डरने लगी, क्या बोलेगी किसी को कि मेरी सासू माँ मुझे सता रही है। वो तो पास में रहती नहीं तो सताती है कैसे, लोग मानेंगे इस बात को। डर से उसका हाल बेहाल हो रहा था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने सारे शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं करती थी, तो मानसिक कष्ट का नौवा महीना आ गया। उसकी पीड़ा और बढ़ गई। बुआ की माँ मेरी दादी को बुला लिया था उनके पति ने। डॉक्टर ने बुआ को बताया कि बच्चे के गले में गर्भ नाल फंसा हुआ है, ऑपरेशन करना होगा। दूसरे दिन सुबह बुलाया गया था। सुबह सुबह बुआ डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन डॉक्टर नहीं आई थी। बुआ तो परेशान हो रही थी, बेटा वाली सोच इस कदर हावी था उनके ऊपर की और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। तभी बुआ एकाएक रोने लगी। उनके पति ने सोचा ऑपरेशन के डर से रो रही हैं, लेकिन उन्हें पता था कि बुआ बहुत हिम्मत वाली हैं। हो ना हो कुछ और कारण हो सकता है। उन्होंने बुआ के आंसू पोंछे और पूछा क्या बात है। ये पूछना था कि बुआ पूरी तरह से रोने लगी, एक छोटी बच्ची की तरह। बताओ तो क्या बात है, वो तुम्हारी माँ क्या, अगर मुझे इस बार भी बेटी हुई तो क्या, माताजी की नाराजगी। अरे ये क्या बोल रही हो, बेटा या बेटी हमारे हाथों में थोड़े ना है, ये तो भगवान की मर्जी है। मैंने तुम्हें कुछ बोला है, शांत रहो, बच्चे की सलामती पहले है। मेरी निडर बीबी तुम ऐसा सोच सकती हो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरे पर भरोसा रखो। बुआ को ऐसा लगा जैसे उनका खोया हुआ सामान किसी ने सूद समेत वापस कर दिया। उन्होंने अपने आप से कहा सासू माँ अब बस, अब नहीं। वो तैयार हो गई एक नई पारी के लिए, उनका मन हल्का हो चुका था। तभी डॉक्टर आ गई, नर्स बुआ को अंदर ले गई। कुछ देर बाद नर्स ने बताया कि किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो बुआ के पति ने बोला हेमंती को बचाना है, उन्होंने अपना खून भी दिया। हेमंती बुआ को सड़ाने के लिए बुआ को बेटा हुआ। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।